अच्छा, तो अभी जो है ना हम लोग मार्केट के अंदर पहुंच गए हैं, तो मैंने लैपटॉप सेट करवाना था, उसको लैपटॉप मैंने दिखाया, तो उसने जब केबल का मसला था, अडाप्टर के अंदर मसला था, अडाप्टर उसने चेंज किया, तो अब जो लैपटॉप हो गया वो सही हो गया है। और अभी ये साकिब भाई है इधर, अभी ये कौन सा लैपटॉप है? ये है जी डेल, ये डेल का है, और ये है i3 generation 8, कोर i3 है, जनरेशन 8 है जी। और प्राइस कितनी है इसकी, कितने का प्राइस? वो 2500 RMB बता रहा है। और क्या अंदर क्या चीज़ है अंदर इसकी? हार्ड डिस्क 260, 8GB रैम है, और 2.8 इसका जो है प्रोसेसर है, वो भी आपको दिखा देते हैं बाकायदा तौर पे। आप 2.8 प्रोसेसर, 120 नहीं 256, 256 जो है वो इसकी, ये भी दिखा दें, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग खुद ही वीडियो को पास करके इधर देख लें। और ये जो लैपटॉप है ना, ये 2500 RMB के अंदर मिल रहा है, टच स्क्रीन है इसकी। हाँ, और ये टच है, तो ये सारा टच है, 2500 RMB है ये। और 2500 RMB कितना बनता पाकिस्तान में? 55,000, क्योंकि 2500 मेरी स्कॉलरशिप है, तो इनके 55,000 जो है ना वो ये है, यानी कि मैं अपनी एक स्कॉलरशिप से जो है ना वो मैं इस कंप्यूटर को मैं खरीद सकता हूँ। और एक ये दूसरा लैपटॉप हमने अभी देखा है, और इसकी जो प्राइस है ना वो कितनी, 1200 बता रहा है ना? हाँ, इसकी जो प्राइस है वो 1200 बता रहा है। और इसके अंदर 4GB रैम है, और रैम स्पेस वो क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कितनी है? 120 हार्ड डिस्क है इसके अंदर, विंडोज 10 है, और 2.0 जो है वो क्या कहते हैं, ये जी कोर i5 और जनरेशन 3 इसमें है, और 2.6 इसका प्रोसेसर है, और इसकी हार्ड डिस्क भी छोटी है, वो कह रहा है जी ये वगैरह चेंज करके दूंगा, फिर भी 500GB डाल के भी 1100 का वो दे देगा। और इसके देखिए मजे की बात ये है कि वो कह रहा है कि ये जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये 1200 का दे रहा है, 120GB रैम के साथ, वो सॉरी 120GB हार्ड डिस्क के साथ। वो कहता है कि हार्ड डिस्क जो है आपको मैं 500 की लगा दूंगा, और आपको मैं 1100 का लैपटॉप ये दे दूंगा। एटलीस्ट मतलब इसका रेट जो है ना, वो कह रहा है 1100 में दे दूंगा, इसी हालत में लेंगे 1000 में दे देगा। तो इसकी सब कंडीशन ठीक है, लेकिन जो इसका एक मसला जो लग रहा है वो मुझे बैटरी का मसला लग रहा है, कि इसकी जो बैटरी है ना वो इसकी इतनी ज़बरदस्त नहीं है। और एक ये लैपटॉप है, ये दूसरा लैपटॉप है, ये उसने कहा जी और सस्ता है, ये 750 RMB का लैपटॉप दे रहा है ये, लेकिन ये थिंकपैड वालों का है, थिंकपैड वालों का है। और ये जो लैपटॉप है ना, इतना कोई खास नहीं है जी, इसका 2 GHz जो है इसका वो है CPU, 4GB इसमें रैम है, 32 bit का ये है जी। तो ये जब हम आपको दिखा रहे हैं ना लैपटॉप, इसने 700 रेट बताया है, और ये 500 में दे देगा, 500 में दे देगा। अच्छा, तो जैसे अभी आपने वीडियो देखी कि कुछ आपको लैपटॉप की कीमत वगैरह दिखाई थी, और अभी हम जो है वो एक और दुकान के अंदर आए हुए, और इधर आप लैपटॉप देखे थे, जो आपके पास सबसे सस्ते लैपटॉप है ना वो दिखाया हमें। तो एक कितने का, 700 का, क्योंकि भाई यानी कि कोई 700 का, कोई 800 का दे रहा है, और कोई 1200 का दे रहा है। तो दरअसल पता क्या बात सीधी है, कि मुझे लैपटॉप के बारे में ना कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्यूटर के बारे में कोई इतनी मालूमात नहीं है। बस मैंने जब भी कोई कंप्यूटर लिया है, कोई लैपटॉप लिया, तो मेरे मामू हैं उनके साथ जाके, वो उन्होंने मुझे हमेशा, जब भी कोई लैपटॉप लिया मैंने और कंप्यूटर लिया, उन्होंने ही मुझे लेके दिया। और अभी जो मैंने कंप्यूटर रिपेयर करवाया है, रिपेयर करवाया तो नहीं, इसका वो चार्जर ख़त्म, अडाप्टर ख़राब हो गया था, वो जो अडाप्टर मैंने सही करवाया वो भी मुझे मामू ने ही लेके दिया था। तो 3 साल तकरीबन 2.5 साल हो गया वो मैंने यूज़ किया है, और अभी जो मसला बन गया था इस वजह से इधर मार्केट में आए, तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो भी बना देते हैं, और जो इधर लैपटॉप हैं उनकी कीमतें भी पता कर लेते हैं। ये सबसे सस्ते जो लैपटॉप हैं वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और अभी जो होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट जब हमारे पास टाइम हुआ, फिर हम लोग इस मार्केट के अंदर आएंगे, और इसके अंदर जो लेटेस्ट लैपटॉप हैं चाइना के अंदर, उसके ऊपर हम जो होगा वो पूरे एक वीडियो बनाएंगे। और ये एक लैपटॉप है लिनोवो का, और इसकी जो प्राइस है ना वो 600 है, और इसके अंदर जो है वो ये देखें, 2GB रैम है, ठीक है, और 2.5 जो है वो इसका प्रोसेसर है, और स्पेस कितनी है, इसकी हार्ड कितनी है? इसकी हार्ड 500 GB जो है इसको रैम है, सॉरी हार्ड डिस्क है यार। तो ये जो है ये 600 RMB का दे रहा है, और 600 पाकिस्तानी 12-13 हज़ार बन जाता है, और तो पाकिस्तान जो है 12-13 हज़ार का ये जो लैपटॉप है ये मिल रहा है। ये सबसे सस्ता लैपटॉप जो अभी हमें इधर मिला है वो ये है, और ये एक डेल का पड़ा हुआ है। अभी इन्हीं की एक इन्हीं प्राइस दस्ती होने अपन जगह तो छो नहीं मे 3000 खाए पुलियो।
अच्छा, और मुझे आप लोग एक बात बताएं कि अभी जो मैं कंप्यूटर देख रहा हूँ ना, उसके अंदर मैं सिर्फ एक रैम, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क ये सिर्फ चेक कर रहा हूँ। यार मैं नया बंदा हूँ, मुझे इसका कुछ पता नहीं है। प्लीज इस कमेंट्स में हमें ये बताएं कि मजीद जिस भाई को पता हो कंप्यूटर्स के बारे में कि हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए अगर हम लैपटॉप वगैरह जाके खरीदते हैं तो। हाँ, और अगर कोई भाई हमें बता सकता है कि भाई जब कंप्यूटर लैपटॉप चेक करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें चेक करते हैं। मैं इसकी चेक कर रहा हूँ जी, हार्ड डिस्क, इसका सीपीयू, इसकी रैम कितने कोर में है और उसकी स्क्रीन कैसी है। और वो कौन सा था, वो जनरेशन चेक कर रहे थे। जनरेशन कौन सी है वो भी चेक कर रहा हूँ, इतना तो मुझे पता है। और मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। और आप हमें बताएं कि हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। ये वीडियो जो है ना, ये एक सिंपल सी वीडियो है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो लैपटॉप की आएगी ना, वो चाइना के जो लेटेस्ट लैपटॉप होंगे, महंगे लैपटॉप होंगे ना, उसके ऊपर वो हम लोग वीडियो बनाएंगे। ये सिर्फ एक अभी जो है ना सस्ते लैपटॉप जो है ना इधर मार्केट के अंदर, वो हम उसके हम वीडियो बना रहे हैं। तो फिर अब जो है अगर 1200 वाला लैपटॉप देखते हैं आगे। और ये एक लैपटॉप है, ये इसकी कंडीशन है, और ये जो है 1200 RMB के अंदर ये हमें दे रहा है। ठीक हो गया, डेल वालों का तो 1200 RMB के अंदर ये जो है मेरे ख्याल में इतना सही है, इतना बैड नहीं है। तो ऑन कैसे होगा ये, मुझे तो लैपटॉप नहीं चलाना आता यार, कैसा बंदा हूँ साकिब भाई यार। कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करे। उन्हें ऑन तो करो, ऑन हो गया, हो गया, हो गया। ठीक, इसकी ये कंडीशन है, बस ये देख लें कंडीशन, थोड़ी रफ यूज़ किया, रफ यूज़ किया हुआ है। और ये 2GB जो है इसकी रैम है, और 1.9 जो है वो इसका प्रोसेसर है, i3 है, जनरेशन भी 3 है इसकी। जनरेशन भी ऐसा, इसकी जनरेशन आई है कोई? हाँ, जनरेशन 3 है इसमें। चलो ठीक हो गया सर, ये एक लैपटॉप है 1200 RMB के अंदर ये दे रहा है। तो आप ये देखें, और अभी जो हमारा हमारा नहीं साकिब का एक मूड बना है ये लेने का, क्योंकि ये वो कहते हैं कि मैंने किसी को गिफ्ट देना है, तो वो कहते हैं कि ये उसने कहा जी 600 RMB, साकिब ने कहा कि 400 मुझसे ले ले और ये मुझे दे दे। और अगर देखो अगर वो 400 में देता है तो साकिब भाई फिर ये लैपटॉप ले लेंगे। मैंने कहा साकिब भाई का मूड का कोई नहीं पता, ये पैसे वाला बंदा है। इधर कैमरे वगैरह पड़े हुए हैं, इसके जो कैमरा भी जो वीडियो है वो सिर्फ लैपटॉप के बारे में है, और जो कैमरा पे वीडियो बनेगी ना वो दोबारा हम एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ये जो ड्रोन है ये इसके अंदर हम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशल एक जो वीडियो है हम वो ड्रोन के अंदर बनाएंगे, तो चाइना के अंदर जो ड्रोन होते हैं वो क्या की मदद क्या। अब्दुल्ला का कंप्यूटर बनवाने, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम था इसमें लैपटॉप में, लेकिन हमें आइडिया नहीं था। यहाँ के अब्दुल्ला को आइडिया आया है कि यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है व्लॉग्स के थ्रू। तो नेक्स्ट व्लॉग हम बनाएंगे नए लैपटॉप्स के रेट, कंपनी रेट, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, लिनोवो है, थिंक पैड है, एसस है, एक्सर है, और दूसरी कंपनी लिनोवो के है, HP है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, तो इनका हम लोग बनाएंगे। दूसरा ड्रोन कैमराज, इसके अलावा कैमराज पे एक अलहदा ब्लॉग बनाएंगे, और फिर इंशाल्लाह आपको इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये वीडियो जो हमने बनाई है, ये वीडियो बनाई है पुराने लैपटॉप पे और दूसरी चीज़ों पे। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको नए लैपटॉप्स के रेट की इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ कैमराज पे, ड्रोन कैमराज पे इंशाल्लाह बताएंगे, और शायद प्रिंटर्स पे एक अलहदा वीडियो भी बनाएं। और ये जो वीडियो बनाई है ना हम लोगों ने, जो है ना तो चाइना के अंदर सस्ते मोबाइल हम लोगों ने उस पर ये एक वीडियो बनाई है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे ना वो जो चाइना के अंदर जो महंगे लैपटॉप है, जैसा आप ये देख रहे हैं, न्यू मोबाइल, न्यू लैपटॉप और कैमराज, ड्रोन कैमराज भी बनाएंगे, और वी होप यू विल वेट फॉर अस एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। यस ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ। Yeah.
तेरा से पूरा गाना कट रहा है।